आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 एनसीईआरटी के नए पठन के हिसाब से नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो हम लिखेंगे सत्य। कैसे? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हम जानते हैं जो एक से स्टार्ट होती है जीरो से, फिर जीरो से भी छोटी संख्या, फिर परिमेय संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय, ये सभी संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, हां सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय के संयोग से बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला हम देखते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम। अब संख्या रेखा आप जानते हैं, ये रही संख्या रेखा हमारी, ठीक है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब प्रत्येक बिंदु मतलब आ गया प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो अब प्रत्येक बिंदु को हम कैसे समझें? मान लीजिए अगर यहां पर कोई बिंदु है और वो अंडर रूट एम के रूप में लिख रहे हैं हम उसे, ठीक है, अब वो कह रहा है कि जहां एम एक प्राकृत संख्या हो। अब प्राकृत संख्या मतलब मान लीजिए अगर मैं अंडर रूट 4 ले लेता हूं तो इसका अंडर रूट क्या निकला मेरा? माइनस का 2। अब माइनस का 2 एक प्राकृत संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो पूर्णांक है, यानी कि असत्य। कोई भी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। हर वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है वास्तविक संख्या का परिमेय, अब मान लीजिए आप ये ले लीजिए, अगर एक है तो ये क्या अपरिमेय है? नहीं, ये अपरिमेय नहीं, ये बहुत सारी संख्या जो अपरिमेय नहीं है, तो जानने की हर वास्तविक संख्या अपरिमेय हो। हाँ, ये सारी संख्या वास्तविक संख्या जरूर है तो हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि 3 या फिर 3, 5, 2/7 है ना, वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन। अगला हमारा सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं, जैसे कि हमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और भी संख्या है ये हमने लिख लिए। अब इनके वर्गमूल निकाल लेते हैं कि वर्गमूल, ठीक है, अब 4 का वर्गमूल तो निकलता 2, 5 का नहीं निकलता, 6 का भी नहीं निकलता, 7 का भी नहीं निकलेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा, 9 का निकल जाएगा कितना 3, 10 का नहीं निकलेगा और 11 का भी नहीं निकलेगा। अगर हम इसे और भी शॉर्ट रूप में लिखें तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं
दो अंडर रूट दो, ठीक है। लेकिन हम वो क्या कह रहा है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय मतलब ये अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन दो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय में आती है। किसमें आती है? परिमेय में। तो क्या बोल रहे हैं हम आंसर देंगे? असत्य। क्या देंगे? असत्य। क्यों? क्या सभी धनात्मक लिखेंगे? संख्या चार और नौ, ठीक है, संख्या चार हम लिखेंगे, संख्या चार व नौ के वर्गमूल क्रमशः दो व तीन है, जो परिमेय है अपरिमेय नहीं है, जो कि परिमेय है अपरिमेय। हाँ, जरूरी कि सभी परिमेय हो और यह भी जरूरी कि सभी अपरिमेय हो, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि उदाहरण समेत हमें इसका आंसर देना था कि वर्गमूल के उदाहरण दीजिए, तो वर्गमूल के बहुत सारे मैंने उदाहरण दे दिए, ये सारे धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगला हमारा सवाल है, दिखाइए संख्या रेखा पर अंडर रूट पांच किस प्रकार दर्शाएंगे या निरूपित करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये हो गई हमारी संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? अंडर रूट पांच। तो हम क्या करेंगे? आधा लंब तो ले लेंगे एक, आधार ले लेंगे दो, ठीक है। तो दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर था चार, एक का था एक। अब यहां क्या हो गया हमारा? कर्ण का स्क्वायर आ रहा है जबकि हमें चाहिए कर्ण, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे इधर। तो चार और एक कितना हुआ? पांच। ये हो गया हमारा पांच का अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे यहां पर? यहां ले लेंगे हम ए और यहां ले लेंगे बी। हमें आधार कितना लेना? दो तक, और हाइट कितने लेंगे हम? एक इंच, ठीक है, हाइट आ गई हमारी एक इंच। तो ये आया हमारा अंडर रूट पांच। अब हम क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से सुई रख के यहां पर और चाप काट देंगे। तो जहां हम चाप काट रहे हैं वहीं हमें अंडर रूट पांच प्राप्त होता है संख्या रेखा पर। दूसरा तरीका यह है कि हम पहले आधार और ये वन लें, अंडर रूट दो मिलेगा, फिर उसके बाद आधार अंडर रूट दो रख के हाइट वन लेते हैं, अंडर रूट तीन प्राप्त होता है, फिर अंडर रूट तीन को आधार रखकर हाइट लेंगे तो अंडर रूट चार प्राप्त होगा हमें, और अंडर रूट चार प्राप्त करने के बाद फिर वन आधार लेंगे तो हमें अंडर रूट पांच प्राप्त होता है। लेकिन हम जब प्रकार से इसको नापते हैं तो ये हमारा एक्यूरेटली बैठता है, जबकि ये हमारा एक्यूरेट बैठ जाता है।